हेलो, मैं अभी अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ और आते ही मैंने देखा मम्मा ने पार्सल रिसीव करके रखा हुआ है जो कि मैंने मंगवाया था। पता नहीं कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से, सॉरी। तो देखते हैं क्या आया है पार्सल में। कुछ किचन ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे तो वही आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने बड़े कार्टन में आया है, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ना, पर ये मतलब 250 ग्राम की चीज़ें आराम से आ सकती है इसमें। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया है और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। ये डबल आया ना। हाँ, ये भी है। ये मम्मा निकाल रहे हैं, मम्मा अनबॉक्सिंग कर चुके थे क्योंकि मैंने ही कहा था इन्हें अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो उस बॉक्स में आया है ये। इसमें दाल रखने के लिए है बॉक्सेस। आई थिंक 500 ग्राम आ जाएंगे इसमें कि 250 ग्राम आएंगे। 500 ग्राम आएगा, 500 ग्राम तक का आ जाएगा इसमें दाल। तो ये मुझे डबल मिले हैं, ऑफ़र थी, याद नहीं आ रहा मुझे। ये 200-250 में लिया था शायद हमने, ऐसे कुछ रेट था, अभी याद नहीं है। ये भी ऐसे ही कुछ प्राइस में लिया हमने ये भी। तो ये मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इसका तो साइज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बैठ के दिखाती हूँ आपको। कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, कोई मुझे कहीं से किसी ने बोला नहीं है कि मैं फ्लिपकार्ट की क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट करूँ। नो, मैं बस आपको दिखा रही हूँ। मैंने मंगवाया था, मुझे पसंद आया था तो मैंने मंगवाया था, क्योंकि अब पेंट हो गया है। पहले हमारे पेंट नहीं था, तो पेंट मतलब कि वाइट वॉश हुआ है, तो बिना वाइट वॉश के सीमेंट बार बार गिरता रहता था, इसलिए हम कोई चीज़ ऐसे मंगवाते नहीं थे। अब तो ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, मज़बूत है, मज़बूत है, मतलब ठीक है, बिल्कुल प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ बिल्कुल सही आई है। सो ब्यूटीफुल। आज मैं करूँगी गेट में पेंट, ऊपर वॉशरूम में जो गेट का कल मैंने प्राइमर लगाया था, जिस पर इसका कलर भी अच्छा है, पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। जौन सा दाल आपको चाहिए, आप उसको जस्ट लेड को ओपन करें और डाल लीजिए दाल को ऐसे। ठीक है, चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, दोनों ही चीज़ें। आज इसी प्राइमर वाले दरवाजे पर मैं पेंट करूंगी और आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। एकदम हो चुकी हूँ रेडी पेंट करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वॉशरूम का डोर को पेंट करने के लिए। इधर मम्मा रस्सी निकाल रहे हैं मंजी की और मंजी को दोबारा से बुन रहे हैं। और इधर बाहर का पेंट मैंने स्टार्ट कर लिया, अंदर का हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस आज मैंने दिमाग लगा कर मतलब हाथों में लिफाफे बांध लिए थे, नहीं तो कल को तो जो हाल हुआ था हाथों का। ये अंदर से पेंट हो चुका है, मैं बाहर पेंट कर रही हूँ। ये पेंटर के कपड़े पड़े हुए हैं, पेंटर ये कपड़े चेंज करके फिर काम किया करते थे घर में। उनके जूते, उनके कपड़े, सब कुछ यहीं पे पड़े हुए, लेके नहीं गए, इतने दिन हो गए। ये हमारे मंजी बुनकर हैं, घर में मंजियाँ बुनते हैं, जो टूट जाती है मंजी, ख़राब हो जाती है रस्से जिसकी। और हाँ, एक चीज़ तो बताने भूल गए, हमने छत का सारा सामान समेट दिया है, जो इतना ज़्यादा छत पर कूड़ा कबाड़ा हुआ पड़ा था, सारा कबाड़ वो सब साफ़ कर दिया, सब गमले एक साइड टांग दिए। ये जो वाइट वाले आप देख रहे हैं टंगे हुए, ये वो गमले हैं जो हमने कभी दीवार पर टांगे हुए थे।
अब बेचारे यहाँ पे लटक रहे हैं क्योंकि बस गेस्ट रहने तक है, उसके बाद फिर इनको यहाँ से पार्सल कर दिया जाएगा कहीं और। कुछ उधर है, इधर कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं अभी भी, ये कुछ कबाड़ बेचने वाला पड़ा हुआ है जो बेचेंगे। इंस्पेक्टर साहिबा इंस्पेक्ट करते हुए, दरवाज़ा पेंट हो चुका है मेरा और मैंने एक और चीज़ पेंट की है, इसमें पतला है मगर थोड़ा बड़ा मैं, ये मैंने एक और चीज़ पेंट की, पीढ़ा मम्मी का बनाया हुआ। जो मैं बताना भूल गई थी, ये मैंने 300 ग्राम तक जिसमें सामान आ सके ये वो वाले डब्बे मंगवाए हैं मीशो पर। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल है, कोई अगर 150 ग्राम तक का सामान रखने वाला डब्बे ही चाहता है तो वो 150 ग्राम वाले में जाके सर्च कर सकता है, 150 ग्राम 300 ग्राम ऐसे करके अलग अलग 200 ग्राम वाले भी हैं। तो ये मैंने 300 ग्राम वाले मंगवाए हैं जिसमें मेरा 300 ग्राम सामान आ सके डब्बों में, इसमें टोटल 16 डब्बे होते हैं। और जो मैंने दूसरा मंगवाया है कंटेनर ये वाला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबका साइज़ सेम है, इक्वल है, और ये काफ़ी मतलब मजबूत प्लास्टिक है, अच्छा वाला प्लास्टिक है। इसमें इसकी क्वालिटी थोड़ी कह सकती हूँ कि लग रही है ऐसी, पर वैसे तो ठीक लग रहा है, पर इसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी प्लास्टिक की थोड़ी हल्की कह सकती हूँ मैं। मार्केट से भी आए हैं शाम को, दुकान का सामान लेकर, चाय बन रही है गर्मा गर्म, और इधर इसमें डैडी की भी चाय है, फिक्की आई है अभी, और इधर समोसे आए हैं, पापा को दे चुके हैं समोसे, और दो समोसे अब हमारे हैं क्योंकि इसके साथ तो मीठा चलेगा, डायबिटिक है ना हम लोग, तो एक एक समोसे ही हम तीनों को मिलता है इसीलिए 3 घंटे में तल के दिया। पहले फ़ोन करते थे हलवाई को कि मैं समोसा लेने आ रही हूँ, जल्दी जल्दी बना के रखो। रोज़ की तरह यहाँ पर चूल्हा जल रहा है, ये कस्टमर खड़े हैं बच्चे, इसके अंगारे बन जाएंगे जब तब हम इसको दुकान में शिफ्ट कर देंगे चूल्हे को। लकड़ी को वक्त है कोयला बनने में, तो मैं अंदर जाती हूँ, चाय का आनंद लेती हूँ, फिर लौटती हूँ। समोसे खाकर आग का नाक से धुआं निकल रहा है इस टाइम पे, बहुत बुरा हाल है। ऐसे में अगर जब आपको मिर्च लगी हो ज़बरदस्त और मिल जाए मीठी मीठी गरम गरम चाय, भाई साहब इतना मस्त कॉम्बिनेशन है ना इस चीज़ का, मतलब शब्द नहीं निकलते फिर आपके मुँह से, ये तो बस धुआं ही निकलता है। अब हम इस ग्रिल में आज पर्दा लगाएंगे रॉड के साथ, ट्रांसपेरेंट पर्दे पहले के थे हमारे पास पड़े हुए, वो लगाएंगे, साइज़ में थोड़ा छोटा होगा क्योंकि वो दुकान के थे हमारे पर्दे, तो अब दुकान से हमने पर्दे निकाल लिए, दूसरी दुकान जो हमने रेंट पे दे रखी थी, तो यहाँ पे अब लगाएंगे, ये लोहे की सीढ़ी लगेगी तो देखते हैं। अब मम्मा चढ़ेंगे सीढ़ी पर, मैं नीचे से सीढ़ी पकड़ के खड़ी रहूँगी क्योंकि फर्श में फिसलने का डर रहेगा, तो इस पौड़ी को सीढ़ी को लगाएंगे हम यहाँ पे और मैं पकड़ के रहूँगी, देखते हैं कितनी दूर तक कितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कहाँ पे रखकर कोई एंगल देखती हूँ जहाँ से रिकॉर्ड हो सके। पकड़ के बाद में चलो मैं पकड़ के रखूंगी, बाद में उल्टे साइड हो जाएगा।
फाइनली इस पे ट्रांसपेरेंट कर्टन्स लग चुके हैं, क्योंकि ठंड बहुत है, बाहर से हवा बहुत आती है। अभी धुंध तो नहीं है, बट हवा बहुत तेज़ आती है। जब धुंध होती है तब धुंध भी बहुत ज़्यादा इस ग्रिल के ज़रिए आती है। और ये मैं बता दूँ, ये जो सीढ़ी है हमारी लोहे की है और इतनी भारी है, मुझे इसका वेट नहीं पता कितना होगा, पर इतना हैवी है ये पौड़ी कि मतलब इसको उठाना अकेले मेरे बस की तो बात है नहीं। मम्मी के साथ भी मतलब किसी को एक जने को लगना पड़ता है, चाहे मम्मी हो चाहे मुझे, तो बहुत हैवी है। फीमेल्स के बस की बात नहीं है इस पौड़ी को उठाना, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है। सेट हो गया ना मैम पूरा? हाँ, नीचे से खाली है मैम, पता ही था, वो तो पता ही था कि ये दुकान का है, इसके साइज़ का तो है नहीं। नीचे प्लास्टिक थोड़ा सा लगा देने से कैसा रहेगा? बाहर बाहर से कह रही हूँ, अंदर से थोड़ी, बाहर से जैसे ग्रिल में फंसा के रखा था वो सही है बिल्कुल। ये वाला ही है थोड़ा छोटा, वो हम नीचे से कवर कर देते हैं, उसमें हवा आएगी। हाँ, उसमें तो हवा आएगी। इसके बीच में कोई बारीक डंडी हो तो फंसा दिया जाए तो नहीं उड़ेगा। हम लोग स्कूल में जब वो चार्ट बना के लेके जाते थे, नीचे लकड़ डाल के ले जाते थे ना, कि उड़े नहीं, इसके बीच में बारीक सी लकड़ी सी डाल दी जाए तो आराम से, कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सिलाई बहुत कम है, फंसेगी नहीं लकड़ी। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतनी तेज़ हवा से तो बचा रहा है ना, बस थोड़ा बहुत होगा, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी ऑप्शन ठीक है, वहाँ पर कुछ डंडा वंडा रख दिया तो। इस पर अगर कोई और कर्टन लगाते तो बाहर का दिखना नहीं था, तो इसीलिए ये सही है रात के लिए। कितना वज़न होगा मम्मी इस पौड़ी का अंदाजतन? 70-80 किलो, देख लीजिए। और हम दो लेडीज़ अकेले ही इसको सीढ़ी को हर बार उठाती हैं और रखती हैं, क्योंकि ब्रदर मेरा यहाँ रहता नहीं है, वो दूसरे शहर में रहता है, और पापा तो पेशेंट है, उनको तो वैसे भी आई साइट उनकी चली गई है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। बस रूम के जो कर्टन्स है वो सेट करेंगे, इसके बाद बस मैं वीडियो को एड कर दूँगी आज का। ये गलत भी लगा दिया, ये उल्टी साइड आएगा मम्मी, ऐसे थोड़ी आएगा, ये एक लंप। उधर का तारा भी सेट करना पड़ेगा, ब्रदर आएगा जिस दिन उस दिन होगा, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है तारों का गुच्छा सेट करना। हो गया सेट, हो गया, रखा हो गया। अब मेरे रूम में जाएंगे, वहाँ लगाएंगे कर्टन्स, कॉफ़ी डोर, कॉफ़ी अलमीरा, कॉफ़ी कर्टन रॉड, कॉफ़ी कर्टन्स, सब कुछ कॉफ़ी कॉफ़ी कलर। ज़्यादा ही लूज है तो पर्दा लग चुके हैं, मम्मा के रूम का पर्दा जो पीछे मम्मा ने कर दिया। आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय।